हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय किचन। आज फिर मैं शेयर करने वाली हूँ एक पनीर रेसिपी आपके साथ, और ये पनीर रेसिपी बहुत 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 फेमस और डिलीशियस पनीर रेसिपी है। और इस पनीर रेसिपी का नाम है कश्मीरी कढ़ाई पनीर। जी हाँ, एक स्पेशल रेसिपी है, स्ट्रेट फ्रॉम कश्मीर है, स्ट्रेट फ्रॉम कश्मीर है कह सकते हैं आप, क्योंकि ये रेसिपी खाने के बाद आपको कश्मीर के फ्लेवर्स की याद आ जाएगी। तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्द ही चलते हैं किचन में और दिखाती हूँ आपको इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या प्रिपरेशंस आपको पहले से करने पड़ेंगे। बहुत ईजी रेसिपी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बहुत सिंपल है और झट से तैयार हो जाती है। प्रिपरेशंस में भी आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो चलिए हेड टूवर्ड्स माय किचन और देखते हैं हमें इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। गाइस, ओके गाइस, तो यहाँ मेरे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। मेरे पास है जिंजर, गार्लिक को क्रश कर लिया है मैंने। जिंजर मैंने 1 इंच लिया था और गार्लिक मैंने कम से कम 9 क्लोव्स लिए थे गार्लिक के, उसको मैंने क्रश कर लिया है। यहाँ मेरे पास खड़े मसाले हैं, 2 छोटी इलायची है, 4 मेरे पास 4 लौंग है और 5 मेरे पास काली मिर्च है। और यहाँ मेरे पास है एक बड़ी इलायची और सिनेमन स्टिक। यहाँ गोटे मसाले की बात हो गई, यहाँ पाउडर्ड मसाले की बात की जाए तो यहाँ मेरे पास है हल्दी पाउडर, मेरे पास है कोरिएंडर पाउडर, मेरे पास है ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च, सौंठ का पाउडर और यहाँ मेरे पास है सौंफ का पाउडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सौंफ का पाउडर। यहाँ मैंने पनीर को क्यूब्स में काटा नहीं है, बड़े बड़े क्यूब्स में काटा है, बड़े क्यूब्स में काटा है, छोटे क्यूब्स नहीं काटा है, क्योंकि इस रेसिपी में छोटे क्यूब्स में पनीर नहीं डलता, बड़े क्यूब्स में पनीर डलता है। ओके, तो देन यहाँ मेरे पास है 2 मीडियम चॉप्ड अनियन और मेरे पास है कर्ड पेटा हुआ दही और यहाँ मेरे पास है पानी। अब इन सब चीज़ों से ही बनेगी हमारी कश्मीरी कढ़ाई पनीर। तो आइए डायरेक्ट चलते हैं। यहाँ मैंने बॉईल करने के लिए बैठा दिया है पानी, पानी लगभग बॉईल हो चुका है और यहाँ मैंने कढ़ाई में बैठा दी है हाई फ्लेम पे हमारी सरसों का तेल मैंने डाला है इसमें, क्योंकि सरसों के तेल में ही ये बनता है, रिफाइंड में ये नहीं बनता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले मैं इसमें पनीर डालूंगी फ्राई होने के लिए। पनीर को मैं फ्राई होने दूंगी, आज तेज ही रखूंगी और हो जाने दूंगी पनीर को अच्छे से थोड़ा गोल्डन ब्राउन। और लोग कहते हैं पनीर फ्राई होने के बाद बहुत रबर जैसा हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है, तो यहाँ मैं आपके लिए एक टिप लाई हूँ जो मैं आपको पनीर फ्राई करने के बाद बताऊंगी कि अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपका पनीर फ्राई करने के बाद कभी भी रबर जैसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो आइए कंटिन्यू करते हैं, पनीर फ्राई करते हैं फिर आपको बताते हैं। एक तरफ पहले अच्छे से हो जाने देंगे पनीर को गोल्डन ब्राउन। होपफुली आप लोग को सब कुछ क्लियरली दिख रहा है गाइस। अगर आपको मेरे किसी भी रेसिपी ब्लॉग में रेसिपीज़ क्लियरली नहीं दिखती तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको रेसिपीज़ क्लियरली नहीं दिख रही है। ओके गाइस, माय पनीर आर फ्राइड। यहाँ मेरा पानी तैयार है, इसमें मैंने नमक डाला था, ये अच्छे से बॉईल हो गया है। अब मैं इसमें ये पनीर डुबो दूँगी। सो दिस इज़ द ट्रिक गाइस, अगर इस तरीके से आप पनीर को नमक पानी में गरम करके डुबो देंगे तो आपके पनीर रबरी हार्ड नहीं रहेंगे। इसको थोड़ी देर में मैं अब साइड डाउन कर दूँगी कि बाकी के पनीर भी हो जाए। यहाँ मेरे पास मेरी कढ़ाई एकदम रेडी है,
अब मैं इसमें डालूंगी अपने खड़े मसाले, ये सारे होने दूंगी इसको थोड़ा सा फ्राई। उसके बाद डालूंगी मैं इसमें अपना जिंजर और गार्लिक जो मैंने कूट के रखा था, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, बस इतना कि जो अरोमा है वो अच्छा आने लगे। देन अनियंस, चॉप्ड अनियंस, चॉप्ड अनियंस डाल देंगे इसमें। अनियंस को फ्राई होने देंगे अच्छे से, गोल्डन ब्राउन। हाई फ्लेम पे ही रखा है, अभी मैंने फ्लेम लो नहीं किया है, सब हाई फ्लेम पे ही कर रही है। अच्छे से ब्राउन हो जाने दे पनीर को, अभी से सॉरी अनियंस को, अनियंस अभी से ट्रांसल्यूसेंट हुआ है तो हमें थोड़ा सा ब्राउन करना है अनियंस। अब अनियंस हमारे हो गए हैं, अब इसमें हम डाल देंगे हमारे बाकी सारे मसाले इंक्लूडिंग सॉल्ट। सॉल्ट भी डाल देंगे इसमें, ये मैं सॉल्ट डाल रही हूँ। सॉल्ट भी डाल दिया मैंने, बारी है इसमें फिटी हुई दही मिलाने का, ये मैं मिला दूंगी और लगातार अभी तक चलाती रहूंगी। भारी कर दीजिए और लगातार इसे चलाते रहिए। इसे अच्छे से पकाएंगे हम लोग जब तक ये अच्छे से ऑयल रिलीज नहीं करते।
और इसे चलाते रहने हैं राइस। देखिए अच्छे से ऑयल रिलीज कर दिया हूँ इस टाइम पे। मैंने आपको एक सीक्रेट नहीं बताया था, वो सीक्रेट है देसी घी। हम इसमें 2 चम्मच देसी घी मिला देंगे। अब मैं इसमें मिलाऊंगी पानी मेरी ग्रेवी के लिए, क्योंकि ये मसाले अच्छे से भून के हो गए हैं तैयार। तो आप देख सकते हैं ऑयल अच्छे से रिलीज हो गया है और साथ ही में है हमारा घी जो कि देगा इस सब्जी को एक बेहतरीन फ्लेवर। मैं इसमें पानी डालूंगी और थोड़ा सा और पकाऊंगी अपने मसालों को। हाई फ्लेम में ही रख के मैं इसे ढक दूंगी। पकने देंगे हमारे मसालों को। ओके गाइस, तो यहाँ हो गया है मेरा मसाला रेडी। मसाला इज रेडी। अब इसमें मैं डाल दूंगी अपने पनीर को। हियर गोज माय पनीर। इसी के साथ मैं डाल दूंगी इसमें कोरिएंडर लीव्स। और डायरेक्ट इसी में कट कर दूंगी एक ग्रीन चिली जो इसके टेस्ट को कर देगा इनहेंस। थोड़ा देर लो फ्लेम पे इसे पक जाने दूंगी। गाइस रेडी है हमारी कश्मीरी कढ़ाई पनीर की सब्जी। सर्व करती हूँ इसे और देती हूँ आपको इसका एक लुक। गाइस रेडी है हमारा कश्मीरी कढ़ाई पनीर। स्पाइसी टेस्टी यमी, स्पाइसी लवर्स के लिए ये सब्ज़ी बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है। तो ज़रूर ट्राई करें अपने घर पे कश्मीरी कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी। सो ज़रूर 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 से ट्राई करें अपने घर में इस कश्मीरी कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी को। और मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको, आपके फैमिली मेम्बर्स को, आपके फ्रेंड्स को कैसी लगी ये कश्मीरी कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी। मैं इसी तरह आपके साथ नए नए रेसिपी शेयर करती रहूँगी अपने ब्लॉग चैनल पे। और होपफुली जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उन्हें मेरे वीडियोज़, मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं सो फार। और जिन्होंने मुझे नहीं सब्सक्राइब किया है
प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ बहुत कुछ हैपनिंग होता है, बहुत कुछ फ़न होता है। मामा व्लॉगिंग, डे इन अ लाइफ, लाइफ स्टाइल, इंक्लूडिंग मैं सभी तरीके के टॉपिक्स पिकअप करती हूँ। रेसिपीज़, बेकिंग, एवरीथिंग इज़ हेयर। द मेन फन इज़ हेयर गाइस। तो ज़रूर 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक बटन दें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।